चिकन के मज़ेदार कोफ्ते बनाने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, आसानी से आप इन्हें घर में बना सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम चिकन के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो वो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसानी से मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। मज़ेदार और आसानी से बनने वाले चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक जूसर जग लिया है। इसमें मैं एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, अदरक कूट के मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, हाफ कप जितना आप इसमें पानी डाल दें और जूसर को 2 सेकंड तक चलाएं। इस तरह का जब मिक्सचर हो जाए तब आप एक कपड़ा रखें, कपड़े में तमाम मिक्सचर को निकाल दें और इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो हाथों की मदद से आप निचोड़ दें। परफेक्ट तरीके से ये आपके कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। आपको इसका पानी अच्छी तरीके से निचोड़ना होगा। इस तरह का जब मिक्सचर बच जाए तब आप इसे एक साइड पे रख दें। आप देख सकते हैं तमाम इसका पानी जो है वो निकल चुका है। अब हरा मसाला मैं एक साइड पे रख दूंगी। चिकन का कीमा मैंने लिया है, अगर आप चाहें तो इसे मटन या बीफ में बना सकते हैं। जो मैंने मसाला बनाया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून कोफ्ता मसाला डालना होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। 1/2 टीस्पून इसमें आप नमक का डाल दें। थोड़ा सा मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, हाफ टी स्पून जितना इसमें जीरा का पाउडर आप डाल दें। थोड़ा सा इसमें हल्दी का पाउडर डालना होगा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप इसमें डाल दें। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब इसमें 1 टेबल स्पून बेसन डाल दें। बेसन से बिल्कुल भी ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। 1 अदद मैं इसमें अंडा डाल दूंगी। अब तमाम चीज़ें डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। ये जो मैंने इसमें अंडा और बेसन डाला है तो इसकी वजह से कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। कीमे को जब आप फ्रिज में रखेंगे तो कोफ्ते जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। एक साइड पे मैंने प्याज को फ्राई किया है क्योंकि इसका मैं जूसर में मिक्सचर बनाऊंगी। प्याज को इस तरह फ्राई करने के बाद जूसर में आप थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर एक साइड पे रख दें। बाद में ये ग्रेवी बनाने के लिए काम आएगा। आधे घंटे के बाद चिकन के कीमे को मैंने फिर से बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसके कोफ्ते अब बन रहे हैं। हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इस तरह आप इसके कोफ्ते बनाएं। जो लोग फर्स्ट टाइम चिकन के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बिल्कुल भी ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं। परफेक्ट तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तमाम कोफ्ते इस तरह बनाने के बाद आप प्लेट में रखते जाएं और इसे एक साइड पे रख दें। बिल्कुल इसी साइज़ का आपको कोफ्ता बनाना होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये खाने में। अब एक डेगची मैंने ली है, सबसे पहले मैं इसमें दही डाल दूँगी। 1/2 कप जितनी दही डालने के बाद कुछ साबित गर्म मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद 1/2 कप जितना मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और विस्क की मदद से इसे मिक्स कर दूंगी। दही में जो लम्स होते हैं बिल्कुल ख़त्म करने होंगे। सबसे पहले 1/2 टी स्पून इसमें आप कोफ्ता मसाला डाल दें, 1/2 टी स्पून नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें खुश्क धनिया का पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टी स्पून हल्दी का पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे आप फिर से मिक्स कर दें और 1 कप जितना इसमें पानी डाल दें। ये तमाम चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तब आप चूल्हे को ऑन करें और इसको फ्लेम पे रख दें। मज़ेदार कोफ्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट में कोफ्ते बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह के कोफ्ते बीफ या मटर में बना सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद जब आप देखें कि पानी उबलना शुरू हो गया है तो उबलते हुए पानी में आपको कोफ्ते डालने होंगे। जब भी पानी उबलना शुरू हो जाए तब आप इसमें कोफ्ते डालें। अगर पानी थोड़ा भी ठंडा होगा तो आप इसमें कोफ्ते डालेंगे बिल्कुल आपके कोफ्ते ख़राब हो जाएंगे। उबलते हुए पानी में तमाम कोफ्ते डालने के बाद इसको बिल्कुल भी टच ना करें। 15 मिनट के लिए इसे कवर कर दें। 15 मिनट के बाद ये कोफ्ते सख्त हो गए हैं और अच्छी तरीके से इसमें पकना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब जो मैंने जूसर में प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह के प्याज जो हैं वो रेडीमेड भी आते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। प्याज में थोड़ा सा पानी डालने के बाद ये पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। जितनी आप ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से ग्रेवी इसकी बना सकते हैं। अब फिर से मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका बिल्कुल निकल आया है, तो 5 से 10 मिनट तक आपको इसे भूनना होगा।
अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाना चाहते तो कपड़े की मदद से भी देगची को हिला सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है और इसमें 1 गिलास भर कर पानी डाल दूंगी। जितने आप ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी इसमें डालें। 2 मैंने अंडे बॉयल किए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप इसमें आलू डालना चाहते हैं तो इस टाइम डाल दें और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कवर कर दें। 10 मिनट के बाद इसके कवर को मैंने हटा दिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर इसमें डाल दें। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर डाल दें। मज़ेदार चिकन के कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी फ्लेम को आप ऑफ कर दें और इसे 5 मिनट के लिए कवर कर दें। इससे ये होता है कि जो ऑयल है बिल्कुल भी ऊपर आ जाएगा और ये सालन लुकवाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब भी आप कोई भी सालन बनाएं तो आप इसकी फ्लेम को बंद करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया करें। आप देख सकते हैं कि चिकन के गोश्त में बनने वाले मज़ेदार कोफ्ते कितने अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह के कोफ्ते अक्सर होटल्स वगैरह में खाते हैं। अब आप घर में इन्हें आसानी से बना सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको चिकन के कोफ्ते बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि आप अंदर का लुक देख सकें। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार ये कोफ्ता बना है। परफेक्ट तरीके से आज मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। इस तरह की आसान, परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे पेज पर मौजूद हैं। अगर आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करेंगे तो तमाम रेसिपीज़ आप देख सकेंगे। आप देख सकते हैं कितना जूसी और मज़ेदार ये कोफ्ता बना है। नान के साथ ये कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। होटल से परफेक्ट रेसिपीज़ अब आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।